तो मीडियाटेक ने अपने एक और नए प्रोसेसर जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर है उसको लॉन्च कर दिया। ये भी आपको 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है और जो इसकी रेंज होने वाली है ये आपको अराउंड 13,000 टू 17,000 या 20,000 के बीच आपको ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा स्मार्टफोनों के अंदर। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन और क्या इसका अंतुतु स्कोर और गीकबेंच स्कोर सारी की सारी डिटेल्स इस प्रोसेसर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपका होस्ट सचिन भट्ट और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अभी जरूर कर लीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मीडियाटेक दिन के दिन बहुत सारे नए प्रोसेसर लॉन्च कर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा प्रोसेसर लॉन्च हो रहे हैं डायमेंसिटी सीरीज के अंदर, यानी काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है अपने प्रोसेसर पे ताकि ये क्वालकॉम को अच्छे से टक्कर दे सके और इनका मार्केट शेयर भी बढ़ सके। तो ये जो इन्होंने नया प्रोसेसर लॉन्च किया है डायमेंसिटी 720, ये भी काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, केपेबल प्रोसेसर है। ये आपको 7 नैनोमीटर की बिल्ड प्रोसेस पे देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अराउंड ये 15,000 का प्रोसेसर आपको अगर 7 नैनोमीटर की बिल्ड पे देखने के लिए मिलता है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है यहाँ पे, जो कि मीडियाटेक के लिए एक यहाँ पे लाइक जरूर से कर लीजिएगा। तो बात करें, ये आपको एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको 2+6 की डिवाइड कोर्स देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि दो पावरफुल कोर देखने के लिए मिलती है आपको कॉर्टेक्स A76 की। यहाँ पे हल्की सी इन्होंने थोड़ी पुरानी कोर यूज़ कर लिया, अगर ये A77 की यूज़ करते तो ये स्नैपड्रैगन के 690 को अच्छे से टक्कर दे सकता था। बात करें इसकी क्लॉकिंग की तो ये आपको 2 GHz पे देखने के लिए मिल जाता है। वहीं हम इसकी जो एफिशिएंसी कोर्स है उनकी बात करें तो ये आपको कॉर्टेक्स A55 की देखने के लिए मिल जाती है जिनको भी 2 GHz पे क्लॉक किया गया, यानी कि आपको जो क्लॉकिंग मिलती है वो आपको प्लेन क्लॉकिंग मिलती है 2 GHz की, पावर कोर में भी और एफिशिएंसी कोर में भी। तो यानी कि ये जो आपकी हैंडलिंग होगी और एफिशिएंसी होगी काफ़ी अच्छी होने वाली है इस प्रोसेसर के अंदर। और बात करें इसकी GPU की तो इसमें आपको मालिका G57 पावरफुल GPU देखने के लिए मिलता है। और नोट करने वाली बात यह है कि आपको ये 3 कोर वाला देखने के लिए मिलता है, जो इनका फ्लैगशिप GPU है वो आपको 4 कोर का देखने के लिए मिलता है और ये हल्का सा उसका टोन डाउन वर्जन यानी कि 3 कोर का आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि इस बजट के अंदर भी इसमें जो आपको GPU की परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने के लिए मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं इसकी रैम की तरफ, तो इसमें आपको LPDDR4X वाली रैम देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपको 12 GHz तक की देखने के लिए मिल जाती है। और अगर बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की तो 2133 GHz पे आपको इसकी फ्रीक्वेंसी सेट की गई है रैम के अंदर। वहीं अगर बात करें स्टोरेज सपोर्ट की तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे आपको UFS 2.2 देखने के लिए मिल जाता है ना कि 2.1। अगर यहाँ पे 3.0 या 3.1 भी होता तो यहाँ पे और भी अच्छी बात हो जाती है, पर 2.2 दिया है इतने बजट में तो ये काफी इनफ है इस बजट के अंदर। अब बात करते हैं इसमें डिस्प्ले की, तो इसमें आपको जो डिस्प्ले 90Hz का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है और साथ में आप इसमें HDR+ का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं बात करें कैमरास की तो इसमें आपको 24+12 MP का डुअल कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें सिंगल कैमरास की तो इसमें आपको 64 MP तक के सेंसर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी सही बात है। वहीं बात करें इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप आराम से इसमें फुल HD स्लोमो वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ में ही आप इसमें 4K वीडियोस एट 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बात करें कनेक्टिविटी, जैसे कि ये 5G प्रोसेसर है तो इसमें आपको sub-6 GHz का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा ना कि mmWave का, क्योंकि बजट इतना टाइट है तो sub-6 का ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 3.2 GBPS की डाउनलोडिंग स्पीड आपको देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। वहीं बात करें ब्लूटूथ की तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने के लिए मिल जाता है और वाईफाई भी आपको 5 देखने के लिए मिल जाता है। और ये प्रोसेसर हमें सबसे पहले देखने के लिए मिल रहा है OPPO A72 के अंदर जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है। अराउंड 18-19,000 की इसकी प्राइस रखी गई है वहाँ पे, तो प्रोसेसर काफ़ी सही है। और इंडिया में भी हमें इस साल के एंड में ये सारे प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएंगे क्योंकि अगले साल जियो का 5G नेटवर्क भी आने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात होगी। वहीं अब हम इसके गीकबेंच और अंतुतु स्कोर की बात करें, पहले गीकबेंच की बात कर लेते हो तो इसमें आपको जो सिंगल कोर का स्कोर है वो आपको देखने के लिए मिलता है 538। और बात करें मल्टी कोर का तो यहाँ पे स्कोर जो देखने के लिए मिलता है 1813 आपको मल्टी कोर का स्कोर देखने के लिए मिल जाता है जो कि ठीक स्कोर है। वहीं अगर हम अब बात करें अंतुतु स्कोर की तो ये आप अराउंड 260,000 से 280,000 के बीच देखने के लिए मिल जाता है इसका अंतुतु स्कोर। और इसकी अगर आपने नोटिस की होगी तो इसकी जो क्लॉकिंग है और जो उसका अंतुतु स्कोर है अराउंड मीडियाटेक के लिए G90T के जैसे ही आता है, तो यहाँ पे जब ये फोनों में इंडिया में आएगा तो ये मीडियाटेक हेलियो G90T को रिप्लेस करेगा इंडिया के अंदर और
कहीं भी ये फोन जाता है। तो ये थी सारी कंप्लीट जानकारी मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 प्रोसेसर के बारे में। काफी नया प्रोसेसर है, काफी सही प्रोसेसर है, काफी अच्छा काम किया मीडियाटेक ने इसके अंदर। तो आपको कैसा लगा है प्रोसेसर आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। कुछ कुछ कमियां हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं, जो कि 690 से इसको थोड़ा सा कम इसको देखने के लिए मिलती हैं। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पे कंपैरिजन वीडियो हो जाए कि 720 की और साथ में स्नैपड्रैगन 690 की, तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन पर दबाइए और ऑल प्ले सेलेक्ट कीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मेरे आपको अपलोड करते मिल जाए। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय एंड टेक केयर।